हरीश रावत जी की सारी पॉलिटिक्स अपने तक सीमित रही है। जब तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने तो हरीश रावत जी ने सोनिया गांधी के पुतले फूके, प्रेशर डाला पार्टी पे, पार्टी पे एम्बेरिस किया और पोजीशंस ली उन्होंने अपने मित्रों के लिए। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, 11 दिन तक उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद पार्टी को एम्बेरिस किया, ब्लैकमेल किया, स्पीकर का पद, राज्यसभा का पद, मंत्री मंडल में जगह, और पार्टी ने उनको अकोमोडेट किया। ये मुख्यमंत्री बने तो हम सबको आशा थी कि ये सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी इनका विरोध किया किसी भी समय, चाहे तिवारी जी के समय या मेरे समय, उनको साथ इन्होंने पॉलिटिकली उनको खत्म करने की कोशिश की। 36 विधायक आज हरीश रावत के बाहर, उसके समर्थन के बाहर खड़े हैं सड़कों पे, चाहे उसमें 27 बीजेपी के या 9 कांग्रेस के, मेजोरिटी नहीं उसके पास। लेकिन राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, राज्यपाल ने, गवर्नर ने मिसयूज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि आपने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजोरिटी में आने तक के लिए 10 दिन का समय दिया। अगर हरीश रावत कह रहे थे कि मेरे पास मेजोरिटी है तो गवर्नर को कहना चाहिए था, आप ठीक है, आप 20 तारीख को 21 तारीख को मेजोरिटी प्रूव करो। लेकिन गवर्नर ने 10 दिन का टाइम दिया, जबकि गवर्नर के सामने 35 विधायक इन पर्सन अपियर हुए थे। तो गवर्नर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को एब्डिकेट किया है, मिसकंडक्ट किया है गवर्नर ने, और हम मांग करेंगे कि राज्यपाल को वहां से हटाया जाए। हम आए हैं खाली इसलिए क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर कलूजन में काम कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय की राजनीति हमेशा निर्भर रही हरीश रावत जी पे। सारे जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष जो उनके साथ नहीं थे, उनके साथ सहमति नहीं रखते थे, उनको बदल दिया उन्होंने मेरे क्षेत्र में, हरक सिंह रावत जी के क्षेत्र में। तो संगठन और सरकार मिलकर के गुटबाजी बढ़ा रहे थे, तो ऐसे में ये विद्रोह किया गया है। आज आपने एक सीडी देखी है, मैंने भी मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए उस प्रेस वाले पर, उसके बैकग्राउंड पर जो सीडी में मौजूद है। मेरा सीधा सवाल उनसे ये है कि अगर वो पत्रकार इतना भ्रष्ट है, इतना बदनाम है, तो आप हेलीकॉप्टर से उड़ करके उससे मिलने एयरपोर्ट क्यों गए थे? और उसके जो कंटेंट्स हैं सीडी के, उससे साबित होता है कि आप जो 9 विधायक हैं उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस से, ब्राइबरी से आप उनको अपने साथ आकर्षित करना चाह रहे थे। इस बात पे भी मुख्यमंत्री को नैतिकता पे आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर होता, मैं सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर देता, कर दे सीबीआई की इंक्वायरी। अगर वो पत्रकार दोषी है तो जेल जाएगा, और मुख्यमंत्री ने अगर ये प्रयास किया सत्ता में रहने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।